हेलो दोस्तों दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्थान के संत और संप्रदाय का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं संत झांबो जी के बारे में, जिन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करके विश्नोई धर्म का प्रतिपादन किया। इनको याद रखने की एक बेहद आसान सी ट्रिक है, इसके माध्यम से आप इनके बारे में आसानी से याद रख सकते हो और एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वह आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम ट्रिक समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इनकी जीवनी के बारे में, इन्होंने किस तरह से विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, कहाँ इन्होंने तपस्या की और कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनकी प्रधान पीठ वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये सारी डिटेल हम आगे देखेंगे। तो देखिए ट्रिक में क्या है, जांबो जी को कृष्ण मिले और हंसकर लोटा और पीपा दिया। जांबो जी ने इसमें फल डालकर समर में लाल होकर अपने मुकाम को पहुँच गए। दोस्तों झांबो जी के बारे में आपको डिटेल में याद रखना है तो ये दो लाइनें आपको याद होना ज़रूरी है। इसमें से हर एक एक शब्द का कुछ ना कुछ मतलब है जो संत झांबो जी की जीवनी से जुड़ा है। तो इस ट्रिक को हम पहले समझ लेते हैं। देखिए झांबो जी को कृष्ण मिले, कृष्ण से मिले से आशय है कि भगवान कृष्ण इनको मिल गए और प्रसन्न होकर उन्होंने झांबो जी को लोटा और पीपा दिया। लोटा आप जानते हो पानी का लोटा होता है, और पीपा जो तेल वाला पीपा होता है, ऑयल वाला पीपा, वो दिया। झांबो जी ने इस पीपे के अंदर क्या डाला, फल डाल दिया। फल डालकर समर में, समर का मतलब है यहाँ पे गर्मी का जो मौसम होता है ना, समर, गर्मी के मौसम में। आप देखिए यह सारी घटना कहाँ की चल रही है, आपको पता है संत झांबो जी की जो प्रधान पीठ है वो बीकानेर के अंदर है, ठीक है। तो बीकानेर जैसलमेर वाला इलाका है, वो मरुस्थली इलाका है, तो यहाँ पर समर गर्मी के अंदर और भी गर्मी तेज पड़ती है, तो यहाँ पे क्या होता है, मुंह लाल हो जाता है। तो देखिए समर में लाल होकर अपने मुकाम पहुँच गए, अपना इनका जो लक्ष्य था बीकानेर के अंदर, इनकी जो प्रधान पीठ है मुकाम तालवा के अंदर, तो वहाँ पर ये पहुँच गए। तो यहाँ मुकाम से आशय इनकी जो प्रधान पीठ है उससे। अब आप इसको आसानी से समझ सकते हो, झांबो जी को कृष्ण मिले, यहाँ इससे आशय क्या है, कृष्ण से आशय है कि झांबो जी को भगवान कृष्ण या भगवान नारायण जो विष्णु है इनके अवतार माना जाता है। हंसकर लोटा, अब देखिए हंसकर लोटा इनसे क्या मतलब है, इनके माता और पिता से ये संबंधित है। इनकी माता का नाम था हंसाबाई, आप हंसकर इससे इसे याद रख सकते हो। लोटा से आशय है दोस्तों इनके पिता का नाम था लोहट जी, लोहट जी इनके पिता का नाम था। पीपा से आशय है इनका जन्म, जो संत झांबो जी है इनका जन्म नागौर के पीपासर गांव में हुआ था, तो ये इसका मतलब है 1451 के अंदर इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, मतलब जब कृष्ण जन्माष्टमी थी तब इनका जन्म हुआ था, और इनको कृष्ण का अवतार ही माना जाता है, तो इससे आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। इसके बाद में देखिए दोस्तों झांबो जी ने इसमें फल से याद रखना आपको, फलोदी, जो फलोदी है वो विष्णुई संप्रदाय का, जो यहाँ पे एक स्थान है झंबा एक स्थान है जिसे विष्णुई संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ पे है, फलोदी के अंदर है। समर, यहाँ समर से आज से दोस्तों समराथल, जो जैसलमेर के, जो बीकानेर के अंदर है समराथल धोरा, वहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी, और यहाँ पर इनकी क्या है, समर में सम्राथल है, यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं पर इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। लाल से आशय दोस्तों लालासर ये बीकानेर के अंदर है, यहाँ पर इन्होंने अपनी देह का त्याग किया था संत झांबो जी ने, और अंत में क्या हुआ, अपने मुकाम का आशय लक्ष्य, लेकिन यहाँ मुकाम, यहाँ पर इनकी प्रधान पीठ है मुकाम तालवा जो बीकानेर के अंदर है, वहाँ पर संत झांबो जी की प्रधान पीठ है। तो इन दो लाइनों के अंदर झांबो जी के बारे में पूरा इतिहास समाहित है। अब डिटेल में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए पहली लाइन देखिए, विष्णु के अवतार, जो संत झांबो जी है इन्हें विष्णु के अवतार के नाम से भी जाना जाता है, या पर्यावरण वैज्ञानिक। अब पर्यावरण वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने, आपको पता होगा, खेजड़ी के वृक्ष को और हिरण को बचाने का भरपूर प्रयास किया था। यह एक पहले संत थे ऐसे जिन्होंने हरियाली पर, पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगवाई थी, इसीलिए दोस्तों इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी या पर्यावरणिक संत के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें गूंगा कहला भी कहा जाता है, तो ये इनके उपनाम है,
ये आपको याद रखना है। संत झाम्बू जी का बचपन में नाम धनराज था और इनके पिता का नाम लोहट जी, माता का नाम हंसाबाई, ये हमने अभी ट्रिक में देखा था। इनका जन्म 1451 के अंदर हुआ था पीपासर गांव जो नागौर के अंदर है, और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। सम्राथल बीकानेर, अब आगे देखिए, सम्राथल बीकानेर जो बीकानेर के अंदर है सम्राथल, वहाँ पर इन्होंने विष्णुई धर्म का प्रतिपादन किया था और सम्राथल के अंदर ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं पर इन्होंने विष्णुई धर्म की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है कि सम्राथल के अंदर विष्णुई धर्म का प्रतिपादन हुआ और इन्होंने खेजड़ी और हिरण की रक्षा पर भरपूर जोर दिया। आगे देखिए दोस्तों, झाम्बू जी के उपदेश जम्ब सागर ग्रंथ में है। जो झाम्बू जी के उपदेश है वो इनका विष्णुई संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जम्ब सागर, इसमें इनके उपदेश समाहित है और इस ग्रंथ को जो कोई पढ़ता है उसे शब्दी या गैणा कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? शब्दी या गैणा। ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। इनके अन्य ग्रंथ और कौन कौन से, विष्णु संप्रदाय है, इसके अन्य ग्रंथ कौन कौन से, जैसे जम्ब संहिता, धर्म प्रकाश, जम्ब सागर, शब्दवाणी, जम्ब गीता, ये इनके मुख्य ग्रंथ है अलग और, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब देखें इनके जीवन काल में क्या घटना घटित हुई। झाम्बू जी ने सिकंदर लोदी जो दिल्ली का शासक था उस समय, और वो झाम्बू जी से मिलने बीकानेर आया था। तब झाम्बू जी ने उनसे निवेदन किया था कि जो गोवध है, गायों की हत्या है बीकानेर के एरिया में, जंगल क्षेत्र में जो गायों की हत्या है या वृक्षों की कटाई है, जैसे खेजड़ी के वृक्षों की, तो इन पर रोक लगवा दी जाए। तो इनके कहने पर जो सिकंदर लोदी था, इन्होंने रोक लगवा दी बीकानेर क्षेत्र के अंदर, बीकानेर क्षेत्र में गो हत्या पर और हरे वृक्षों की कटाई पर रोक लगवा दी। इसके बाद में देखिए, लालासर बीकानेर के अंदर इन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया था, मतलब यहाँ पर इनकी जो देह है, इन देह को इन्होंने छोड़ दिया था। और उसके बाद में देखिए, मुकाम तालवा, ये प्रधान पीठ है, ये भी बीकानेर के अंदर है, ये झाम्बू जी की समाधि यहीं पर बनी हुई है, ये आपको याद रखना है मुकाम तालवा। और यहाँ पर मेला कब लगता है, तो मेला देखिए, मेला फाल्गुन अमावस्या और अश्विन अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है, तो आप मेले में जाके मेला भी देख सकते हो। इनका अन्य मंदिर कहाँ पर, जैसे झम्बा जोधपुर, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि जो झम्बा है ना वो जोधपुर के अंदर है, और इसे विष्णुई संप्रदाय का पुष्कर कहते हैं जम्बा स्थान को। और जांगलू ये बीकानेर के अंदर ही है, और रामड़ावास ये जोधपुर के अंदर है, तो ये इनके अन्य मंदिर है। आगे देखिए, इस समाज के सर्वाधिक अनुयायी जोधपुर में निवास करते हैं और इनके शव को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। जो विष्णुई संप्रदाय के लोग हैं इनके शव को जलाया नहीं जाता, जैसे हिंदू धर्म के अंदर जलाया जाता है, वैसे इनके शव को नहीं जलाया जाता बल्कि दफनाया जाता है। जम्ब गीता विष्णुई धर्म का 5वां वेद या 19वां पुराण है। जो जम्ब गीता विष्णुई धर्म का एक ग्रंथ है, इसे विष्णुई धर्म का 5वां वेद कहते हैं, ध्यान रखना, हिंदू धर्म का नहीं, विष्णुई धर्म का 5वां वेद, या इसे 19वां पुराण कहा जाता है। वैसे पुराणों की संख्या 18 होती है, लेकिन इसे 19वां पुराण कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। तो देखिए, खेजड़ी वृक्ष मेला भी विष्णुई संप्रदाय से संबंधित है। जोधपुर के अंदर खेजड़ली गांव में यह मेला आयोजित होता है, और कब होता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी, जो तेजा दशमी के दिन तेजा जी का जो मेला होता है, उस दिन यहाँ पे खेजड़ी का वृक्ष मेला आयोजित होता है जोधपुर के अंदर। तो ये था दोस्तों झाम्बू जी के बारे में, और एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। आपको इनको एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, देखिए दोस्तों, पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से किन्हें जाना जाता है, कौन से संत है ऐसे, तो ध्यान रखना संत झाम्बू जी, जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।